कॉस्मेटिक की शॉप एक ऐसी शॉप है जो आप हिंदुस्तान में कहीं भी शुरू कर दीजिए, ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है और वे इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो इसमें मुनाफा भी काफी अच्छा है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 6 पॉइंट कवर करने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपको इस बिजनेस में नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद काफी अच्छी तरह से जो है कॉस्मेटिक की दुकान शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ जो है अंत तक बने रहेगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सके, ताकि आपको कोई भी नुकसान का जो है सामना ना करना पड़े। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको इसकी अनुभव की जरूरत होगी। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है, कब क्या बिकता है, कितना बिकता है, कहाँ से आता है प्रोडक्ट, कितने में आता है, आप उसको कितना में बेचेंगे, लोगों को क्या खरीदना पसंद है, यानी कि औरतें जो क्या खरीदती हैं, उन्हें क्या पसंद होता है, वो कितना में बिकता है और कैसे कैसे जो है लोग खरीदना पसंद करते हैं, इसको जानना आपको बेहद जरूरी होता है। क्योंकि नहीं तो अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इस दुकान में। तो ये जानना बेहद जरूरी है औरतों की पसंद के बारे में, क्योंकि क्या क्या बिकता है, कितना बिकता है, कब बिकता है। आप जानते होंगे कि जब त्यौहार या शादी आता है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने लगता है, कॉस्मेटिक या श्रृंगार स्टोर का जो है सामान ज़्यादा बिकता है, तो आपको बेहद जानना जरूरी है। तो आप इस बात का काफ़ी ध्यान रखिए। आप अगर आपको जो है अनुभव नहीं है तो आप किसी दुकान में जो है काम कर सकते हैं, 2-3 महीने आप सीख जाएंगे और जो है कुछ पैसे भी कमा लेंगे, आपको इन्वेस्ट के लिए भी पैसे भी हो जाएंगे और जो है आपका अनुभव भी आपको प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलत जगह पर दुकान खोल लेंगे तो आपका दुकान जो है नहीं चलेगा या फिर आपका जो है ग्रो होने में काफ़ी समय लग सकता है, आपका दुकान चलने में काफ़ी जो है प्रगति करने में आपका समय लग सकता है लोगों को जानने में। तो अगर आप साड़ी की दुकान के बगल में से शुरू करेंगे या फिर कोई जैसे औरतों का जहाँ औरतों का जाना आना जाना होता है आप वहाँ से शुरू करेंगे तो आपका जो है चलने की संभावना 100% हो जाएगी। साड़ी दुकान या फिर जो है गोलगप्पे वगैरह जो बिकते हैं या फिर जो फेमस दुकान है उसके सामने आप इसे अगर लगाएंगे तो आपका जो है बेहतर चलेगा और लोग आपको जानेंगे भी। तो लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो है 100% इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहां औरतों का आना जाना लगा होता है अगर आप इसे वहां शुरू करते हैं तो आपका जो है चलने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों जो है इंटीरियर डिजाइनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कोई भी दुकान के लिए। अगर आप कॉस्मेटिक की दुकान शुरू करने वाले हैं तो चमक धमक आपके दुकान में बहुत ज़्यादा दिखना चाहिए, लाइट वगैरह आप लगवा सकते हैं और जो है आपका जो है रोड जहाँ है ना वहाँ से आपका दिखना चाहिए कि हाँ आपका दुकान यहाँ सामने है, आपका पता चलना चाहिए लोगों को कि ये दुकान यहाँ पर है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका दुकान जो है फोकस नहीं रहेगा, अगर कुछ खास आप अलग नहीं करेंगे तो बाकी की तरह आपके पास भी ग्राहक नहीं आएंगे। बाहर से ही दिखना चाहिए कि हाँ ये दुकान है कॉस्मेटिक की या फिर ये श्रृंगार स्टोर है, यहाँ मैं जाकर सामान ले सकती हूँ, तो लोगों को ये पता चलना चाहिए जो औरतें होती हैं। क्योंकि ऐसे कुछ कुछ दुकानें ऐसी होती हैं पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई दुकान भी है, क्योंकि उनका जो है दरवाज़ा गेट नहीं दिख पाता है कि कैसा है, तो ये बाहर से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ये दुकान है, तो आपके पास जो है ग्राहक आएंगे। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों अब बात आती है प्रोडक्ट खरीदने की। जो आप बेचेंगे उसे तो खरीदना भी पड़ेगा, तो आपको किसी सप्लायर की ज़रूरत होगी जहाँ से आप जो है माल या प्रोडक्ट जो है खरीद सकते हैं। तो जो है आपको उसको पता करने में समस्या हो सकता है कि मैं कहाँ से लूँ, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि कहीं फेमस जो दुकान होगी वहाँ आप जा सकते हैं और वहाँ जो काम करने वाले छोटे जो एम्प्लॉय होते हैं आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं, वो लोग बता देंगे। अगर आप मालिक से पूछना चाहेंगे तो कोई भी अपने पेट पे लात नहीं मारेगा, वो आपको नहीं बताएगा, आपको झूठ बोल देगा या घुमा फिरा देगा। तो आप जो है किसी जुगाड़ से पूछ सकते हैं उससे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ जो काम करने वाले होते हैं उनसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से जो है वो मंगवाते हैं, आप भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। और यहाँ एक समस्या और आती है कि जो है सस्ते में प्रोडक्ट कैसे खरीदते, तो आपको इसके लिए अच्छा व्यवहार बनाने की जरूरत होगी और कुछ कुछ और भी इसके लिए आप कर सकते हैं ताकि आप जो है सस्ता माल खरीद सकें और बेच सकें। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जब आपकी दुकान नई नई होती है तो ग्राहकों को पता चलने में समय लगता है कि कहाँ दुकान है कहाँ नहीं है, लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चलेगा तभी वो आपके पास आएंगे। तो इसके लिए आप जो है प्रचार कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगवा सकते हैं या फिर जो है पोस्टर लगवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो जो सोशल मीडिया है सबसे बेस्ट है, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस का आप यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पर जो है आप कर सकते हैं प्रचार। और जो है लोकेशन का यूज कीजिए, जो गूगल मैप होता है वहाँ पे जो है आप अपनी दुकान ऐड कर दीजिए, इससे लोगों को पता चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो है आप अपना जो है रेट नॉर्मल रखिए, बाकी दुकान से ज़्यादा मत रखिए ना ज़्यादा कम रखिए, नॉर्मल रखिए तभी आपके पास ग्राहक आएंगे। और किसी भी ग्राहक का जो है
भरोसा जीतिए, क्योंकि आगे भी आपके पास सामान लेने आएंगे, ऐसा नहीं कि उनको लूट लिया पूरी तरह से, क्योंकि इसमें रेट का कोई उतना फिक्स नहीं होता है कि नहीं ये प्रोडक्ट इतना में ही मिलेगा, कोई प्रोडक्ट कम में बेचते हैं, कोई इसी चीज़ को कहीं ज़्यादा में बेचते हैं तो कहीं कम में, तो आप ऐसा ना करें, एक रेट में जो है ग्राहक को दें, ताकि ग्राहक आप ही के पास आए, आप पर भरोसा कर सके, तो भरोसा जीतना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात आती है कि आप इसको कितने में शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों जो है दुकान का तो नहीं पता मुझे आपको कितना में मिल रहा है, कहीं सस्ता दुकान मिलता है, कहीं महंगा मिलता है, अगर आप रेंट पर ले रहे हैं तो, अगर आपका दुकान खुद का है तब तो आपका जो है उतना खर्च बच जाएगा दुकान का, लेकिन दोस्तों अगर जो है आपको सजावटी सामान और जो रैक वगैरह जो भी आप यूज करेंगे उसका जो है खर्चा 50,000 लगभग आप लेके चलिए इंटीरियर डिजाइनिंग का, और फिर जो है आपका प्रोडक्ट 1,00,000 रुपये का लगभग आपको लग जाएगा, क्योंकि जो है इसकी सामान छोटे छोटे होते हैं, जो श्रृंगार के जो सामान होते हैं दुकान के, जो कॉस्मेटिक की सामग्री होती है वो छोटी छोटी होती है, तो अगर 1,00,000 का आप माल नहीं रखेंगे तो आपका दुकान खाली नजर आएगा, तो आप 1,50,000 लगभग जो है बजट लेके चलिए, आप इसमें शुरू कर सकते हैं। और कमाई की अगर बात करें तो जो नॉर्मल स्टार्टिंग में आप 10 से 15,000 रुपये 20,000 रुपये तक भी आप कमा सकते हैं अगर आपकी अच्छी चली तो, और जो बड़े बड़े जो ज़्यादा जिनका पॉपुलर दुकान होता है, पुराना दुकान होता है, वो 50-60,000 रुपये आराम से इसमें कमा रहे हैं, तो आपका जो है बिक्री के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, मैं नहीं कहता कि आपका जो है इतना ही कमाई होगा, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, आपका जो है बिक्री के ऊपर निर्भर है, गाँव में कम होगा शहर में कुछ जो है ज़्यादा होगा, जगह का ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।